दोस्तों, गूगल पे के जरिए इंडिया में किसी भी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का डीटीएच हम बड़ी आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है, यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। गूगल पे का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, न्यू पेमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं बिल पेमेंट का ऑप्शन आता है, बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पर कई सारी कैटेगरीज हमको मिलेंगी। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता था कि मेरा जो चैनल है डीटीएच टीवी, इसके अंदर डीटीएच से जुड़े कई सारे वीडियोस यहाँ पर आते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। दोस्तों, डीटीएच टीवी के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर के ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एयरटेल डिजिटल टीवी के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें अकाउंट लिंक करना होता है। तो दोस्तों, कस्टमर आईडी और नाम डालकर हम अपना अकाउंट लिंक कर लेते हैं और उसके ऊपर रिचार्ज कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डी टू एच का। दोस्तों, डी टू एच का ऑलरेडी मैंने अकाउंट लिंक किया है, यहाँ पर अकाउंट लिंक होने के बाद बड़ी आसानी से हम रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो आता है डिश टीवी का। डिश टीवी का भी यहाँ पर अपने को अकाउंट लिंक करना होता है, जो अपना खुद का अकाउंट है, वहाँ पर विविंग कार्ड, मोबाइल नंबर या फिर कस्टमर का नाम डालकर बड़ी आसानी से हम इसको लिंक करते हैं और उसके बाद हम रिचार्ज कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है रिलायंस डिजिटल टीवी का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं रिलायंस डिजिटल टीवी बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर प्रोसीड नहीं कर सकते। पांचवा ऑप्शन है सन डायरेक्ट का। सन डायरेक्ट में हम जाकर गेट स्टार करते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट लिंक करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट कार्ड और कस्टमर का नाम डाल के अकाउंट को लिंक किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर रिचार्ज होता है। दोस्तों, छठा ऑप्शन है टाटा स्काई का। टाटा स्काई के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर अपना सब्सक्राइबर नंबर और अकाउंट नेम डालकर वहाँ पर अकाउंट लिंक कर देते हैं। जैसे ही हमारा अकाउंट लिंक हो जाएगा, अकाउंट जो भी कंपनी का डीटीएच है, जैसे कि हमारा अगर से डीटीएच का है तो डीटीएच के ऊपर जाने का क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमारा जो आईडी आता है, उसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी अमाउंट का रिचार्ज करना है उतना हमको पे करना है। उतना जैसे ही पे होता है वो यूपीआई के थ्रू पे हो जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जाता है। तो यहाँ पर हम 50 रुपये से ज़्यादा अमाउंट का रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले कई बार रिचार्ज किया है, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है, आसान है और एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।